शादी, शादी एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में सुनते ही लड़कियां ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, मतलब अभी से नहीं पहले से अगर लड़की बारह तेरह साल की है और उस कैसे बोल रहे हैं ना तेरी शादी होगी एक राजकुमार आएगा तो ना वो एक ऐसा ना इमेज बनाती है टेल सी कि हैं हाँ घोड़े में आएगा राजकुमार वो होता है उनके अंदर कि हाँ ऐसा सा लहंगा पहनूंगी ऐसी साड़ी पहनूंगी ऐसी ब्राइडल हो गई मतलब मेरा पति मेरे यहाँ वहां ले, ले बहुत प्यारी प्यारी ना इमेजिनेशन होती है उनकी शादी को लेकर राधाधन लड़का लड़का तो एक ही चीज बोल रहा होता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं नहीं करूंगा ब्याह मैं नहीं करूँगा लेकिन आज का जो केस है एक ऐसी दुल्हन का है जो कि तुम्हारे को रुला देगा तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगेगा कि कैसे एक लड़की जिसकी उम्र है पैंतीस साल उसकी शादी होती है और जो अपने पति के साथ साथ फेरे लेती है और साथ जन्मों तक का रिश्ता निभाने की कस्मे खाते हैं वादे करते हैं दोनों और कैसे वो सिर्फ और सिर्फ सात दिन के अंदर अपना दम तोड़ देती है कैसे वो पति सिर्फ सात दिन में उसकी लाइफ ऐसी नर्क कर देता है जिसकी वजह से उसको अपनी जान देनी पड़ती है ये कैसे यूपी के हमीरपुर जिले का जहां पर एक कॉलोनी है पीडब्ल्यू डी वही से 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जलो वहीं एक इलाका है उरई करके वहां का रहने वाला है विजय उमेरे जिसकी बारात निकलते हैं तीन फरवरी को हमीरपुर के लिए सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं नाचते हैं गाते हैं मस्ती से अच्छे से ना बारात जाती है पहुंचते हमीरपुर और वहां पर शादी का कार्यक्रम शुरू होता है लड़की वाले बहुत ज्यादा खुश है लड़के वाले बहुत ज्यादा खुश है लड़का जो हमारा वो पैंतीस साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत अच्छे से शादी हो रही होती है और जब सात फेरे लेने का टाइम आता है तो पंडित जी अच्छे से सारी रस्में पूरी करते हैं दूल्हा दुल्हन के बीच में वो जो सात वचन होते हैं वो खिलवाते हैं कि यहां दोनों साथ रहेंगे खुश रहेंगे हमेशा हमेशा सब कुछ बहुत अच्छे से होता है शादी संपन्न हो जाती है फिर आता है चार फरवरी की सुबह जब विदाई का समय आता है सारे के सारे बहुत भावुक होते हैं लड़की वाली की साइड से स्पेशली लड़की का भाई क्यों क्योंकि लड़की के भाई ने सब कुछ किया होता है लड़की की विदाई उसकी जो शादी का खर्चा होता है सब कुछ क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं तो तो जो भाई है वो ही वो सारा का सारा जिम्मा ले रखा होता है उसने अच्छे से अपनी बहन की विदाई करवाता है आस पड़ोस के जो लोग होते हैं लड़की के वो भी रो रहे होते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता होता है लड़की अच्छी है साथ में अच्छे से रहे हैं वो सारे एक ना फैमिली टाइप का रिलेशन बन जाता है पड़ोसों के साथ सबके साथ क्यों क्योंकि उन्हें पता होता है लड़की के माँ बाप नहीं है भाई ने सब कुछ किया विदाई वगैरह तो सब बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं चार फरवरी कोई भी लड़की अपनी पहली रात के लिए बहुत ज्यादा खुश होगी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी कि हाँ पति पत्नी दोनों के बीच में एक अच्छा मूवमेंट बनता है दोनों के दोनों एक दूसरे को जानते है बहुत अच्छा रिलेशन बनता है लेकिन दुल्हन को कहाँ पता था कि उसके लिए वो सुहाग रात क्या होने वाली है लड़का रूम में जाने से पहले पता नहीं स्ट्रेस डाउट होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता है या इसके अलावा पता नहीं उसके पास मिसकनसेप्शन होता है जानकारी नहीं होती चीज़ों की अपने दोस्तों से सलाह लेकर जाता है और उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं वो खुद ही डिसीजन लेता है पता नहीं वो गोलियां खाकर चला जाता है गोलियाँ बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से तुम्हारी पावर जो इंप्रूव हो जाती है स्टैमिना इंप्रूव हो जाता है जैसे कि सिडनाफिल आती है बाइगरा आती है ये कुछ गोलियां होती है जिससे तुम्हारा ना जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है जिसके तुम लगातार फिक्स कर सकते हो और मैं तुम्हें साथ में भी बता दू टूशन होता है तो कोई भी इसकी तरफ मत जाया करो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं तुम्हारा हो सकता है और ये स्टार्टिंग में अगर तुम हर बार लेना स्टार्ट कर दोगे तो आगे चलकर तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं होंगे अब वो पूरी रात जानवरों की तरह भूखे भेड़िए की तरह दुल्हन के ऊपर अटैक करता है ऐसे जैसे उसने पहली बार लड़की देखी हो वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है इस तरीके से उसके साथ कर रहा है मतलब की तरह उसके ऊपर लगा हुआ है बस और जब वो और ज्यादा रोकने की कोशिश करती है तो वो हाथापाई भी कर रहा है मार भी रहा है ऐसे वो रात खत्म होती है जहां दुल्हन ने सोचा था कि पहली रात है भाई सुहाग रात है वो उसके लिए एक भयानक रात बन के रह जाती है अगले दिन वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती कैसे बताएगी सबके लिए तो सुहात है भाई पति पत्नी के बीच में ये चीज तो होंगी बहुत नॉर्मल है तो वो बेचारी किसी को बता भी नहीं पाई उसकी तबियत खराब होने लगी उसको उल्टी आने लगी वो बहुत ज्यादा वीक फील करने लगी अगली रात आती है उसको लगता है शायद पहली रात थी दूसरी रात अब सब ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं विजय अगली रात फिर से गोलियां खाकर उसके साथ फिर से वही कुकर्म करता है उसके साथ सब कुछ जबरदस्ती फिजिकल होकर पता नहीं क्या क्या करता है इसको बोलते हैं मेरेटल रेप जो कि एक टॉपिक है इंडिया के अंदर कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है वो दुल्हन के साथ पूरी रात इस हद तक इन्होंने काम करता है जिसकी वजह से उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी डैमेज हो जाते हैं

अस्पताल में दिखाओ देख रहे हो तो वह तुम्हारी बहू है तुम्हें देख के नीचे तुम्हें अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए लेकिन नहीं तुम लड़की के भाइयों को ही बुला रहे हो कि हां तुम आओ लेकर जाओ अच्छे अस्पताल में दिखाओ यहाँ से साफ एक चीज तो क्लियरफाई हो रही है कि लड़का लड़की लेकर आया था था सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए जो मिटा रहा था, रोज रात को बुरे तरीके से घर वालों को भी कुछ नहीं लेना देना था उनको दहेज मिल गया होगा लड़के ने कर दिया होगा सारे उनकी डिमांड्स पूरी क्योंकि भाई है भाई बहन का कन्यादान तो करना ही है तो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी होगी उसके मॉम डैड की तो उन्हें लड़की से कुछ लेना देना नहीं था दुल्हन का भाई जब आता तो अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है की अब भी तो अच्छे से विदा कराया था अचानक से तीन चार दिन में ऐसा क्या होगा कि इसकी हालत इतनी खराब हो गई तो भाई कुछ और तो देखता नहीं है वो अपनी बहन को उठाता और सीधे कानपुर ले जाते प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है मामला ये है तीन फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी और जो है चार तारीख को बारात विदा हुई और सात तारीख को वहाँ पर फोन आया बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि वो तो हमसे छुपा के वो की हो और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ और इसमें तो दसियों लाख रुपया लग जाएगा तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया न कुछ किया सब हम ही करते रहे और ये दस लाख रूपये की मांग कर रहे थे दस लाख रूपये दो तब हम इलाज कराए तो उसको कोई बीमारी नहीं थी इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया आठ फरवरी को इलाज चालू होता है दुल्हन का भाभी जो होती है दुल्हन की वो दुल्हन से जब मिलने आती है ना अब

सोचकर देखो तुम अगर वो तुम्हारी कुछ लगती होती बहन कुछ भी तो तुम्हें कितना दुख होगा तो उसके भाई पर क्या बीतरी होगी कितने प्यार से नाज उसे पाल कर भेजी थी हफ्ते के अंदर डेथ हो गई और हुई भी क्यों जस्ट बिकॉज जिस लड़के के साथ ब्याई थी कहां तो उसने उसको सात जन्मों तक खुश रखना था भाई सात दिन में मतलब उसने सिर्फ अपनी हवस मिठाई दुल्हन की मृत्यु की जो खबर थी इससे सारे के सारे जो मोहल्ले वाले थे वो सबके सब जो यार रिश्तेदार थे सबके साथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाते और ये बात मीडिया तक चले जाती है और मीडिया जो डॉक्टर नहीं थी उससे पूछते की क्या हुआ है जो डॉक्टर नहीं है वो मीडिया को बोलती है की मेरा नाम बताने देना क्योंकि

इस तरीके से है कि कि जैसे इसके साथ हुआ हो तो तुम लगा सकते हो कि दुल्हन के साथ उस भेड़िया ने क्या किया मीडिया भी सुनकर बहुत हैरान हुआ और यह बात फिर वायरल हो गई होनी थी उसके बाद दुल्हन का अपना अंतिम संस्कार हुआ और उस टाइम पर भी जितने भी लोग थे सबके साथ बहुत ज्यादा दुखी थे और वो एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे लोगों का काम ही होता है क्या ना उस टाइम पर भी जो लोग थे वो ये बातें कर रहे थे कि लड़की बड़ी अभागी है भाई मतलब कितनी अभागी लड़की पहले तो इसके मॉम डैड नहीं रहे उसके बाद अब जब भाई ने इतनी धूमधाम से शादी कराई थी अब जाकर खुशी आनी थी इसके लाइफ में तो कितनी अभागी कि सात दिन में अपने पति के साथ भी नहीं रह पाया

तुम्हें तो पता है इंडिया में थर्टी परसेंट से ज्यादा जो वुमन्स हैं वो मैरिटल शिकार है मतलब शादी के बाद भी होते हैं नो मीन्स नो बेसिकली फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो नो का मतलब नो होता है बट स्टिल तीस परसेंट जो वुमन्स हैं उनके साथ शादी के बाद उनके हस्बैंड जैसे कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं उसके बावजूद भी हो रहा है हालांकि अब जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं मतलब अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल भी करता है ना या अगर तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही है तो तुम कानून के पास जा सकते हो कोई भी रीजन हो एक्स वाई वाइजी तो मतलब तुम्हें ना अब दबकर नहीं रहना स्पेशली लड़कियों अगर तो तुम शादी हो और तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही है तो भी जाओ कानून के पास मदद मिल जाएगी अगर तुम गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है ब्लैकमेल कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो भी तुम्हें दबने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम फिर भी ये सब काम करते हो तो भैया वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाले से बड़ा गुनागार कौन होता है जो जुर्म से आता है विजय जो था ना वो थर्टी फाइव ईयर्स का था लगभग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मतलब पढ़ा लिखा था उसके बावजूद भी वो इतना गवार निकला कि वो गोलियां खाकर अपने पार्टनर के साथ संभोग करने चला गया इंडिया के अंदर ना ये इतना बड़ा टैबो टॉपिक है कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता उसको क्या करना चाहिए था अपने दोस्तों के पास जाने के बजाय उसको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था एंड अगर तुम्हें सेक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यार सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ एक मेरे ख्याल एंड्रोलॉजिस्ट होता है रणवीर आलबा का मैंने पॉडकास्ट देखा था जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के ही सारे सोल्यूशन देगा तुमको तो तुम वहां जाओ उन्हें कंसल्ट करो लेकिन ये लड़के क्या कर रहे हैं लड़के का कर रहे हैं

की शिकार हो गई ना उसको तो एक अच्छे वे में कुछ टाइम के लिए करना है ना जो एक नेचुरल टाइम है बहुत कम होता है डॉक्टर्स वगैरह खुद बोलते हैं जाकर पढ़ो इंटरनेट पर तो ये जो तुम्हारे ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं तुम्हारे खुद के यार दोस्त जो भी है तुम वगैरह देख तो इसमें तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये जॉनी सिंह तो लगाए अरे भाई कट मार मार कर हो रहा है इन, समझ रहे हो तो ये सब चीजें मैनिपुलेट करती हैं पढ़े लिखे बच्चों सबके सब इंटरनेट पर जाओ डॉक्टर्स को कंसल्ट करो वो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको कंसल्ट करो उनसे अपने सारे के सारे क्लैरिफाई कर लो ना चीजें और अगर तुम्हें सच में कुछ लगता है कि हाँ सच में अगर डिस्चार्ज वगैरह की दिक्कत है थोड़ी बहुत तुम्हें फिर भी लगता है भैया ये गोली उसका सोल्यूशन नहीं है इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस आती है जिनको कीगल एक्सरसाइजेस कहा जाता है जो की तुम रोज के पांच से दस मिनट भी करोगे तो तुम दो चार महीने में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और यही इकलौता है इसका जो है सोल्यूशन है। देन कि अपने यार दोस्तों तुमने बातचीत करी और वो तुम्हें सोल्यूशन दे रहे हैं वाली गोली खा वाली गोली खा लिया बच्चू रिजल्ट फिर ऐसा ही निकलता है इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप तुम्हें वीडियो मजा आएगा अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे अलग प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक मिल जाएंगे वहां भी फॉलो कर सकते हो तब तक के लिए बाय टेक केयर